हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आइडियल एक्सपर्ट चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने रिसाइकलर व्यू को क्रिएट किए थे एंड इस लिंक को पेस्ट कर देते, तो आपको मैं सबसे पहले वर्क दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने एक्टिविटी मेन डॉट एग्जामल में जाके रिसाइकलर व्यू को पेस्ट किए थे एंड इसके बाद अभी लेआउट प्रोडक्ट को क्रिएट किए थे, जो भी हमारा प्रोडक्ट था उसको शो किए थे एंड इसके बाद हमने प्रोडक्ट को क्रिएट कर दिए थे, जो भी जावा था, मीन्स इसमें हमने कंस्ट्रक्टर एंड गेटर एंड सेटर को इम्प्लीमेंट किए थे एंड प्रोडक्टर अडेप्टर में जाके हमने जो ऑन क्रिएट ऑन व्यू एंड ऑन बाइंड होल्डर होता है उसको हमने डिक्लेयर कर देते। ओके, एंड हमने पीडीएफ डॉट जावा को भी क्रिएट कर देते। तो ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में क्रिएट किए थे। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले कलर डॉट एग्जामल में चले जाएंगे एंड हम अपने कलर को सेट कर देंगे। जो हमारा प्राइमरी एंड प्राइमरी डार्क कलर होता है, तो हमें इसको सेट करने के लिए आपको थीम में चले जाना होगा। तो मैं थीम को ओपन कर देता हूँ। ये जो दिखाई दे रहा है थीम डॉट एग्जामल, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ एंड यहाँ से आपको कलर प्राइमरी सिलेक्ट कर देना है, जो भी आपका कलर रहेगा। तो मैं कलर प्राइमरी यहाँ से बाय डिफॉल्ट दे देता हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से शो नहीं हो रहा, इसलिए मैं बाय डिफॉल्ट कलर दे देंगे हम CF D103। ओके, D103। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इस कलर को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो सेम इसको कॉपी कर देता हूँ CF D103 को एंड यहाँ पे भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ कलर प्राइमरी वेरिएंट में। तो यहाँ पे हमने हैश इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे एरर शो हो रहा है। अभी हम कलर डॉट एग्जामल में चले जाते हैं। तो आप देख सकते हो कलर डॉट एग्जामल यहाँ पे ओपन हो चुका है एंड यहाँ से अभी हम टूल बार का कलर दे देते हैं। तो मैं कंट्रोल डी कर दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाएगा कंट्रोल डी एंड वाइट को हम चेंज करेंगे टूल बार में। तो टूल बार एंड यहाँ पे जो कलर दिखाई दे रहा है इसको मैं डिफरेंट कर देता हूँ हैश। तो आपको ये एंटर करना है #FAF8F8। ओके, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे वाइट कलर आ चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले पीडीएफ डॉट जावा में चले जाना है। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ पीडीएफ डॉट जावा को एंड पीडीएफ डॉट जावा में जाने के बाद अभी हम पीडीएफ को क्रिएट करेंगे। बट उससे पहले अभी हमने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे हमने रिसाइकलर व्यू को तो इम्प्लीमेंट कर दिया, बट ये जो टूल बार है इसको हमने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले एक्टिविटी मेन डॉट एग्जामल में जाना होगा। तो मैं चला जाता हूँ एक्टिविटी मेन डॉट एग्जामल एंड इसमें हम टूल बार को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसको ओपन कर देता हूँ एंड टूल बार इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। टूल बार एंड विड्थ इसको आपको रख देनी है मैच पैरेंट एंड हाइट रख देंगे 55 dpi। इसके बाद एंटर करना है एंड आईडी यहाँ से इम्प्लीमेंट करना है ID@ID टूल बार। इसके बाद आपको एंटर करना है एंड यहाँ से आपको जो भी टूल बार रहेगा उसका बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। तो अभी अभी हमने कलर में टूल बार के नेम से एक टूल बार का कलर क्रिएट किए थे। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हमने टूल बार भी कलर इम्प्लीमेंट कर दिया। तो मैं अभी आपको इमेज खोल के सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो टूल बार यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है, यहाँ पे भी टूल बार इम्प्लीमेंट हो चुका है एंड यहाँ पे रिसाइकलर भी इम्प्लीमेंट हो चुका है एंड यहाँ पे भी रिसाइकलर व्यू इम्प्लीमेंट हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं, पीडीएफ की इसमें डिस्कशन करते हैं, मीन्स यहाँ पे जो पीडीएफ है इसको हम क्रिएट करेंगे। बट इससे पहले ये जो टूल बार है इसको जो हमने सिलेक्ट किया था उसका हम जावा कोड भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेन एक्टिविटी डॉट जावा में चले जाएंगे एंड यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है रिसाइकलर व्यू, इसके नीचे हम टूल बार को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ सबसे पहले टूल बार क्लोज एंड फाइंड व्यू बाय आईडी इम्प्लीमेंट करेंगे। टूल बार इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.toolbar। ओके, तो भी आप देख सकते हो हमने जो भी टूल बार थी उसकी आईडी यहाँ पे डिक्लेयर कर दी एंड सेट सपोर्ट एक्शन बार भी करेंगे हम, सेट सपोर्ट एक्शन बार ट्रू, सॉरी टूल बार। तो भी हमने कंप्लीटली वर्क कर दिया है जो भी हमारा टूल बार का वर्क था। अभी हम क्या करेंगे, पीडीएफ डॉट जावा में जाएंगे, बट इससे पहले यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने जो इंपोर्ट किए थे वो प्रॉपर नहीं किए। तो मैं सबसे पहले इसको क्लोज करूंगा एंड जो टूल बार है
इसको मैं बैकस्पेस से रिमूव करूंगा। हमें विजिट को सिलेक्ट नहीं करना है, हमें कॉम्पैक्ट एक्स को सिलेक्ट करना है, इसलिए यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो मैं अल्ट एंटर करूंगा एंड जो कॉम्पैक्ट एक्स है एंड्रॉयड एक्स, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर रिजॉल्व हो जाएगा। अभी मैं इसको ओपन कर देता हूँ एंड पीडीएफ में चले जाएंगे। तो मैं सबसे पहले पीडीएफ में आ चुका हूँ अभी, एंड यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन बैक प्रेस। मीन्स जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा तो सबसे पहले पीडीएफ में चला जाएगा, ओके। एंड जैसे इस पर बैक क्लिक करेगा तो अगेन इस यूआई पे क्लिक होना चाहिए, ओके। तो इसके लिए हमें कंट्रोल ओ प्रेस करना होगा। इसमें मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ कंट्रोल ओ, एंड यहाँ पे आपको सर्च करना होगा ऑन बैक प्रेस, ओके। तो आपको अच्छे से यहाँ पे एंटर करते जाना है ऑन बैक प्रेस, एंड यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है ऑन बैक प्रेस एंड ओके बटन पे क्लिक करना है। ये होने के बाद आपको इंटेंट पास कर देना है, क्योंकि जैसे कोई बटन पे क्लिक करेगा तो मेन एक्टिविटी में रिडायरेक्ट होना चाहिए। मैं यहाँ से पास कर देता हूँ इंटेंट, तो इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, एंड जिस एक्टिविटी में हो उस एक्टिविटी का नाम मीन्स पीडीएफ डॉट डिस कॉमा मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, एंड इसको भी हम सेमी कॉलम से क्लोज करेंगे एंड यहाँ पे इंटेंट को पास कर देंगे स्टार्ट एक्टिविटी के नेम से, स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने जैसे बैक बटन पे क्लिक करेंगे उसका कोड यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। बट अभी हम क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी डॉट एग्जामिन में है, इसके हम यहाँ पे एनिमेशन इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कोई रिसाइकलर व्यू आती है तो यहाँ पे ऐसे एनिमेशन शो होना चाहिए। तो उसके लिए अभी हमें क्या करना होगा, एक्टिविटी मेन डॉट एग्जामिन में जाना होगा। तो मैं आ जाता हूँ सबसे पहले मेन एक्टिविटी में एंड इसको मैं स्क्रोल कर देता हूँ, एंड जो एनिमेशन है इसका जो कोड है ये है, यहाँ पे हम एंटर करेंगे, ओके। तो एनिमेशन इज इक्वल टू एनिमेशन यूटिल्स डॉट लोड एनिमेशन दिस कॉमा आर डॉट एनिम डॉट। तो अभी तक हमने एनिमेशन में कोई भी ऐसा फोल्डर क्रिएट नहीं किया एंड एनिमेशन के लिए अभी तक हमने कोई भी रिसोर्स फाइल भी क्रिएट नहीं की। तो अभी हम क्या करेंगे, रिसोर्स में चले जाएंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे न्यू, एंड यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी इस पे हम क्लिक करेंगे एंड इस पे भी वैल्यूज पे क्लिक करेंगे एंड इसको हम स्क्रोल करेंगे। स्क्रोल करने के बाद आपको यहाँ पे जो टॉप में दिखाई दे रहा है एनिम इस पे हम क्लिक करेंगे एंड ओके जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे हम टैप करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एनिमेशन फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगेन हम इस पे क्लिक करेंगे राइट बटन न्यू एनिमेशन रिसोर्स फाइल, तो मैं सबसे पहले अभी फाइल नेम एंटर कर देता हूँ एनिम अबाउट कार्ड शो, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनिम अबाउट कार्ड शो, ओके। इसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो अभी हम इसमें कोड लिखेंगे सबसे पहले, तो मैं यहाँ से इसको एंटर कर देता हूँ। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे अल्फा, अल्फा सिलेक्ट करने के बाद एंड्रॉयड टू अल्फा जीरो कर देता हूँ एंड एंड्रॉयड फ्रॉम अल्फा कर देता हूँ जीरो। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, टू अल्फा को वन करेंगे हम एंड ये जो अल्फा है इसको हम क्लोज करेंगे एंड यहाँ पे हम ड्यूरेशन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एरर शो हो रहा था तो अगेन हम टाइप करके देखेंगे अभी एरर शो होता है कि नहीं होता है ड्यूरेशन। तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर शो नहीं हो रहा है एंड यहाँ पे हम 600 मिलीसेकंड को प्रोवाइड कर देंगे एंड सेंड
एंड सेम अभी हम क्या करें, इंटर बटन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम ट्रांसलेट को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हम ड्यूरेशन सेम सिलेक्ट करेंगे। तो मैं इसको कंट्रोल सी से ड्यूरेशन को कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड ट्रांसलेट में इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ड्यूरेशन हमने सेम 600 सेकेंड लिख दिया एंड फ्रॉम एक्स डेल्टा हम सिलेक्ट करेंगे 0, फ्रॉम वाई डेल्टा हम सिलेक्ट करेंगे 3% एंड एंटर करेंगे एंड टू एक्स डेल्टा हम सिलेक्ट करेंगे 0 एंड टू वाई डेल्टा भी दे देते, क्योंकि हमने टू एक्स डेल्टा तो दे दिया बट टू वाई डेल्टा नहीं दिया। तो अभी हमारा जो भी एनिमेशन था वो हमने क्रिएट कर दिया। अभी हम क्या करते हैं, मेन एक्टिविटी डॉट एग्जाम्पल में चले जाते हैं एंड इसके बाद जो भी हमने एनिमेशन फाइल सिलेक्ट की थी वो यहाँ से हम क्लिक करेंगे एनिम अबाउट कार्ड शो ओके एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देंगे। ये होने के बाद अगेन हम एंटर करेंगे एंड जो रिलेटिव लेआउट है इसको यहाँ से हम सिलेक्ट कर देंगे, रिलेटिव लेआउट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट आरएल। तो इसलिए हमने रिलेटिव लेआउट क्रिएट की थी क्योंकि उसमें हम एनिमेशन को फिट कर सके, क्योंकि कार्ड व्यू को हम अच्छे तरीके से एनिमेशन को फिट नहीं कर सकते, इसलिए हमने रिलेटिव लेआउट को इम्प्लीमेंट कर दिया यहाँ से ओके। एंड रिसाइकलर व्यू में हम जो एनिमेशन रहेगा वो सेट करेंगे, इसलिए मैं लिख देता हूँ रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एनिमेशन एंड ये जो एनिमेशन है इसको हम प्रोवाइड कर देंगे ओके। मैं यहाँ से पास कर देता हूँ एनिमेशन। तो मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली वर्क कर दिया जो भी एनिमेशन का था। अभी हम पीडीएफ में चले जाते हैं, तो एक्टिविटी पीडीएफ डॉट एग्जामल में आ चुके हैं अभी हम एंड स्प्लिट बटन पे अभी हम क्लिक करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीडीएफ को शो करेंगे, बट आपको ध्यान में रखना है पीडीएफ को शो करने के लिए आपको सबसे पहले डिपेंडेंसी को पेस्ट करना होगा। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिपेंडेंसी प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है, मैं यहाँ से इसको कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा एंड जो बिल्ड डॉट ग्रेडल है इसमें जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। तो कंट्रोल वी से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मेक श्योर आपको ध्यान में रखना है आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, तो मैं इंटरनेट को कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो मैंने इंटरनेट को अभी कनेक्ट कर दिया, मैं अभी सिंक नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ग्रेडल बिल स्टार्ट हो जाएगा, तो हम ग्रेडल बिल फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो भी आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ चुका है ग्रेडल इंपोर्टिंग रिपोजिटरी डेटा ओके। अभी हमारा ग्रेडल जो भी था वो फिनिश हो चुका है, तो इसलिए मैं इंटरनेट को डिसकनेक्ट कर देता हूँ एंड अभी हम एक्टिविटी डॉट पीडीएफ में चले जाते हैं। इसमें अभी हम पीडीएफ को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे एंड लिख देंगे पीडीएफ व्यू एंड इसकी विड्थ रखेंगे हम मैच पेरेंट एंड हाइट भी रख देंगे मैच पेरेंट, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ रहेगा वो कम्प्लीटली पूरे स्क्रीन में शो होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो आप हमारी पीडीएफ कंप्लीट इसमें शो हो रही है, तो इसलिए हमने मैच पेरेंट इम्प्लीमेंट कर दिया है। एंड अभी हम आईडी को भी डिक्लेयर कर देते हैं, id@id पीडीएफ व्यू, तो पीडीएफ व्यू शॉर्टकट में हम लिख देते हैं एंड इस पीडीएफ व्यू को क्लोज करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो इस पीडीएफ व्यू को हमने डॉट एग्जामल फाइल में तो इम्प्लीमेंट कर दिया है, अभी हमें डॉट जावा फाइल में भी इम्प्लीमेंट करना होगा। तो इसके लिए अभी हम आ चुके हैं पीडीएफ डॉट जावा में एंड यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे पीडीएफ। हाँ, तो आप देख सकते हैं अभी पीडीएफ भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो कभी कभी हमें क्लीन प्रोजेक्ट करना पड़ता है या फिर ओपन करना पड़ता है ओके, क्लोज प्रोजेक्ट करके। तो अभी हमारा पीडीएफ व्यू शो हो रहा है, अभी मैं पीडीएफ व्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अगेन इसका नेम डिक्लेयर कर दिया हमने एंड यहाँ से हम फाइंड व्यू बाय आईडी से इसका जो भी है उसको डिक्लेयर कर देंगे ओके। तो हम क्या करेंगे, पीडीएफ व्यू पे क्लिक करेंगे, पीडीएफ व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट जो भी हमने आईडी दी थी पीडीएफ व्यू को वो यहाँ से आपको इम्प्लीमेंट करना है ओके। तो आर डॉट आईडी डॉट पीडीएफ व्यू एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज करना है। तो अभी हमने कम्प्लीटली वर्क कर दिया है पीडीएफ व्यू का, क्योंकि अभी हमारा कम्प्लीटली पीडीएफ व्यू
शो हो जाएगी। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो भी हमारा जावा कोड रहेगा पीडीएफ व्यू का, वो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।